कंप्लेन वगैरह कर रहे थे कि महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO में तुम्हें बूट स्पेस ही मिलती है। अरे भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये लगा लो आगे, लेट वेट नहीं पाते तो यहाँ पर आके लेट गए, गाड़ी में इतनी स्पेस है। अच्छा बूट स्पेस सही है इसकी? अरे बहुत सही है यार। यार वो लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं बूट स्पेस नहीं है वो ये है। देखो एक बार बंद करूँ आपको? अरे बंद करो यार। ये लो यार, तो भाई एक आप बंदा अंदर लेके जा सकते हो, देख सकते हो। तो नो डाउट कि 3XO की जो बूट स्पेस है, ऐसा स्पेस मिलेगा किसी गाड़ी में? नहीं मिलेगा। ओके करे ना? ओके भाई, चलो ठीक है भाई, बढ़िया। राम राम जी, ये है आज अपने सामने महिंद्रा का AX5 XV3XO। देखने में बेमिसाल लग रही है गाड़ी, 1% की इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है, छोटू भी है साथ में। खैर यहाँ पे बात करें हम लोग, इधर आपको मिलेंगे फ्रंट में इसमें फॉग लैंप्स इसमें भी नहीं दिए गए AX5 वेरिएंट में, बट स्टिल एज एक्सेसरी आप लगवा सकते हो। DRLs हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, फ्रंट में ग्रिल मिल जाती है। अच्छा जो ग्रिल है ना ये थोड़ी सी ईवी टाइप लगती है हमें, क्योंकि देखिए रेडिएटर ये जो अपना फ्रंट के लिए होता है, यहाँ पे मोस्टली हमने ओपन देखिए कि ओपन में आपको स्पेस मिल जाती है, बट यहाँ पे वो नहीं दिया था, ईवी टाइप है तो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन हम इसे बोल सकते हैं। साइड में चलूं, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स की जो प्रोफाइल है आपको 205/65R16 मिलने वाली है, अच्छे अलॉय व्हील्स हैं ये। एंड क्लैडिंग्स जो है काफी चौड़ी चौड़ी बनाई गई है इस गाड़ी की, बट वो ये ना क्लैडिंग्स इसलिए है कि स्पोर्टी लुक जो है गाड़ी में थोड़ा सा वो हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ फेंडर्स पे इंडिकेटर नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये ना चले जाता है अपने जो ऊपर वाले वेरिएंट्स हैं, अपर वाले वेरिएंट्स हैं उनमें, तो वो वाला जो है आप लोगों को यहां देखने को मिल जाता है। अब साइड प्रोफाइल से कई लोग बोल रहे थे कि साइड प्रोफाइल से गाड़ी जो है थोड़ी सी पंच जैसी लगती है, नहीं पंच जैसी नहीं लग रही, एक्स्टर से भी कंपेयर करा तो वैसी नहीं लग रही, डिफरेंट है, 100% डिफरेंट है। रिक्वेस्ट सेंसर्स जो है आपको मिल जाएंगे ड्राइवर साइड पे, यहाँ पे ये रे रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, रूफ रेल्स दिख रही होंगी ऊपर, ठीक है काफी। पीछे का जो पैनल है वो इन लोगों ने देखो, अब मॉडिफिकेशन अगर कोई शौकीन हो ना तो इस गाड़ी के लुक्स काफी बदल सकते हैं। यहाँ से आप देखो, यहाँ पे ब्लैक कलर लगवा लीजिए, छत पूरी ब्लैक करा लीजिए, तो डिफरेंट लुक्स आ जाएंगे। स्पॉइलर ये रहा जो मैं कह रहा था, स्पॉइलर की तरफ से नो डाउट गाड़ी की वजह से नो डाउट गाड़ी के जो लुक्स हैं कहीं ना कहीं स्पोर्टियर साइड पे देखने को मिल जाते हैं, AX5 तो स्पोर्टियर साइड पे देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं रियर में चलूं तो रियर में आपको दिख रही होगी बेसिकली कि अपनी कनेक्टेड टेल लाइट्स दी गई हैं यहाँ पे, अच्छे लुक्स हैं यहाँ पे। इसी के साथ साथ अपने देखिए प्लास्टिक का यूज नो डाउट काफी बड़ा करा गया, पर उसमें भी आप मॉडिफिकेशन करके कुछ हल्की फुल्की जो है चीजें कर सकते हैं, आपकी गाड़ी अच्छी लगने लग जाएगी नो डाउट। इसी के साथ साथ रियर डिफॉगर देखने को मिल जाता है इसमें, रियर वाइपर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे चले पीछे, अपने दो सेंसर्स दिए गए हैं पीछे ही जो है आप लोगों को, इधर हम दिखाएं तो आपको यहाँ पे इसका कैमरा मिल जाता है, कैमरा साफ है, छोटा सा दिया गया फिर भी ठीक है। तो देखिए AX5 को सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोला जा रहा है, एंड फॉर अ रीजन बोला जा रहा है, कंफर्ट से लेके सब कुछ जो है इस गाड़ी में हमें सही देखने को मिल रहा है, उस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। चारों डिस्क ब्रेक तो खैर इसमें जो आपका बेस एंड मॉडल है उसी से ही देखने को आपको मिल जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पास में लेके जाऊँ मैं ये अपना, ठीक है। डेमो की जो गाड़ियां होती हैं वो थोड़ी सी रफ चलाई जाती है, तो अगर स्क्रैचेस वगैरह हो भी तो आप यही समझ के करिएगा कि हाँ भाई स्क्रैचेस क्योंकि डेमो की गाड़ी है उसमें दिए गए हैं। हमारे को पैसेंजर साइड में किसी भी टाइप का जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से अंदर चलते हैं, एक बार गाड़ी खुलाऊं, ड्राइवर चाबी देना। तो यहाँ पे चले अगर मैं देखिए पीछे दिखाऊं आपको बूट स्पेस, कई लोगों को इसमें गाड़ी में इतना ज्यादा सही नहीं लग रहा था, बट बूट स्पेस काफी ज्यादा है। मैं आपको दिखाऊंगा जो अपनी शोरूम के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं उसमें प्रॉपर ब्रीफ केस रख रखे हैं, जिसकी वजह से बूट स्पेस जो है वो समझ में आने लग रही है कि कितनी ज्यादा बूट स्पेस जो है दी गई है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग बात करें ये अगर मैं लेके चलूं इधर, तो यहाँ पे आपको जो है अपना पीछे वाला मिल जाता है। एक बार अचिन को बिठाते हैं इसकी बूट स्पेस में, भाई बैठिए एक बार, देखिए बूट स्पेस में भाई को बिठा दे, अगर मान लीजिए आपको किसी बंदे को लेके जाना है तो कुछ इस प्रकार का बूट स्पेस जो है आपको मिल जाता है, भाई एकदम प्रॉपर बूट स्पेस जो है यहाँ से दिया है, भाई बैठे कंफर्टेबली, मान लो रणथंभौर जाना है तो बैठिए जा सकते हो, सो के जा। भैया और क्या कंप्लेन वगैरह कर रहे थे कि महिंद्रा की XUV 3XO में तुम्हें बूट स्पेस मिलती है, भैया आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये लगा लो आगे, लेट वेट नहीं पाते तो यहाँ पर आके लेट गए, गाड़ी में इतनी स्पेस है। अच्छा बूट स्पेस सही है इसकी? अरे बहुत सही है यार। यार वो लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं बूट स्पेस नहीं है वो ये है। देखो एक बार बंद करूँ आपको? अरे बंद करो यार। ये लो यार, तो भाई एक आप बंदा अंदर लेके जा सकते हो, देख सकते हो। तो नो डाउट कि 3XO की जो बूट स्पेस दे रहे हैं, स्पेस मिलेगा किसी गाड़ी में? नहीं मिलेगा भाई। ओके करे ना? ओके भाई, चलो ठीक है भाई, बढ़िया। ऐसा मैं लेके चलूँ आपको यहाँ पे, इधर आपको दिख रही होगी अपनी गाड़ी के फ्रंट में फीचर समझा देता हूँ। पियानो ब्लैक मिल जाता है, ये सॉफ्ट टच मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग मिरर कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आप मिरर खोल बंद कर सकते हैं, ये चीज है। खैर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, इधर जो है आपको ऑटो का स्विच का मिल जाता है, ऑटो इसमें वन वे डाउन नहीं है, जैसे दूसरे में आपने देखा कि वन वे डाउन नीचे घुसती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखो ये रे, आपको चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं, मतलब कुल मिला के अच्छा है। यहाँ पे हमें क्रोम का काम देखने को मिल जाता है। अब अंदर चलते हैं, अंदर यहाँ से आप स्टार्ट स्टॉप बंद कर सकते हो,
हो, इसमें आपको ट्रैक्शन का मोड नहीं मिलता है। यहाँ पे हमने वो जो MX3 वेरिएंट में देखा था वो शिफ्ट होकर आपका इधर आ जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो चीज हटा दी है। सारे आपको इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल्स क्या होते हैं कि आप जो अपनी गाड़ी है उसके स्टीयरिंग को कंफर्ट पे करना है आपको या फिर ड्राइव पे करना, मतलब वो सब कुछ कर सकते हो। बड़ी सी स्क्रीन मिल जाती है आपको, इसमें बीच में सनरूफ मिल जाती है। सनरूफ यहाँ से मैनुअल है वैसे तो, बट इधर से जो है उसको खोल सकते हो, अभी चाबी नहीं लगी हुई। हाँ, इतनी सनरूफ मिल जाती है तो ठीक है, कुल मिला के फीलिंग टाइप से लेनी है ना उसके लिए ठीक है। बाकी ये देख सकते हो आप बीच में ऑटोमेटिक मिल जाता है, ड्यूल जोन मिलता है। इस तरफ जो भाई बैठा है वो अलग कर लेगा, इस तरफ भाई बैठा है वो अलग कर लेगा, यानी कि अपने टेम्परेचर जो है उसको। वायरलेस चार्जर मिल जाता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नो स्मार्ट की, तो यहाँ पे आप जो है स्मार्ट की चार्ज नहीं कर सकते हो, उस चीज का भी आपको फीचर मिलता है। 6 इसमें आप लोगों को गियर्स मिलते हैं, काफी स्मूथ है। यहाँ पे भी स्पेस के मामले में महिंद्रा ने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, इधर डालो इधर डालो इधर डालो, हर जगह जो है आप आराम से सामान डाल सकते हो, इथे पाओ 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 वाली चीज है, हर जगह जो है कर सकता। तो कुल मिला के यार ओवरऑल ये गाड़ी जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इसका एक टोटली मैंने ड्राइविंग रिव्यू भी डाला है, वो भी आप देख सकते हो। पैनो ब्लैक का काम जो है काफी ज्यादा इसमें करा गया है। चाबी मैं एक बार दिखाऊंगा यहाँ पे, तो इस प्रकार की कुछ इसमें चाबी मिलती है, ये रही आपकी चाबी, ऑटो स्टार्ट स्टॉप है। तो बस आपको सिंपल इसको यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ से क्लच दबा के आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। ऑन होने पे एनिमेशन जो है कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो पूरा ऊपर तक जाके नीचे आते हैं ना, ये अच्छा लगता है। वियर सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसी चीजें जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये विंडोज जो है अपनी खुल जाएंगी यहाँ से, अगर आप इसको खोलना चाहें तो यहाँ से खुल भी सकती है ये रही करके। और आप लोगों को जो है ये अपना जो टायर का डायरेक्शन है उसका भी फीचर मिलता है, चेक टायर डायरेक्शन। ये उन जगह पे ठीक होता है जहाँ पे आप लोगों को गाड़ी एकदम इंस्टेंट मतलब खड़ी रहती है कि आपको खड़ी करके जाना है। टॉप स्पीड इसमें 220 की मिलती है, काफी ज्यादा अच्छा इंजन है, काफी पेपी इंजन है, तो उस चीज में भी कोई दिक्कत जो है हमको देखने को यहाँ पे महसूस नहीं होती है। लो टायर प्रेशर बताने लग रहा है 32-33, चलिए वो जो गाड़ी के अपने हिसाब से होता है। तो कुल मिला के यार ये गाड़ी जो है ना वन ऑल इन वन काफी ज्यादा सही लगी मेरे को। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले, ये सनरूफ देखिए खोल के दिखाता हूँ आपको, आप सनरूफ को ऐसे खोल भी सकते हैं, आपको खोलनी हो तो ये कुछ इस प्रकार से जो है आपकी सनरूफ भी ओपन हो जाती है, ये रही है ना ये। तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हो, और ये जो है लाइट्स का मोड मिल जाता है। काफी सारी चीजें जो इस गाड़ी में जो इस गाड़ी को काफी अच्छी चॉइस बनाता है, अगर आपके पास बजट है 10-11 लाख रुपए के आसपास और आप खरीदना चाहते हो तो काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है यार, मजा आ गया देख के। ठीक है, यार इस गाड़ी का ना आप एक वो चीज़ देखिए कि झटकों पे से भी आ रही है गाड़ी, एंड स्टिल जो कंफर्ट है ना गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ से आप देखिए झटके पर गाड़ी हिल नहीं रही है पूरी, और जो एक SUV टाइप वाइब आती है ना वो भी आप इस गाड़ी में देखने को मिलेगी कि हाँ SUV टाइप जैसी रहती है ना गाड़ी, वैसी को जो धूल मिट्टी पूरी उड़ती हुई आई है पीछे। एक बार जिन भाई ने गाड़ी चलाई उनसे पूछ लेते हैं कि भाई उन्हें कैसा मजा आया, 2 मिनट का एक बार मैं टाइम दूंगा क्योंकि धूल मिट्टी उड़ के आ रही है तो गाड़ी के अंदर ही ना चली जाए वो चीज़। एक मिनट रुको, भाई तुम झटकों में से लेके गए कैसा लगा भाई? पता नहीं चला, जबरदस्त है, पावर बेमिसाल, सस्पेंशन बहुत अच्छे, वैल्यू फॉर मनी का आ रही है, वैल्यू फॉर मनी है। चलो ठीक है।